फर्स्ट ऑफ सबका एनएचवन न्यूज में स्वागत है। अभी 10th क्लास का जेके का जो रिजल्ट है निकल चुका है। अभी हम आए हैं शिक्षा निकेतन स्कूल में। आइए मुलाकात करते हैं बच्चों से जिन्होंने अच्छे स्कोर लेके 10th क्लास के जो है क्लियर कर चुके हैं। बात हाय, आपका क्या नाम है? हनीत कौर। अच्छा, कितने स्कोर आए हैं आपके? 98%। कैसा फील हो रहा है अभी आपको? बहुत खुश हूँ मैं आज। तो उसका क्रेडिट किसको देना चाहोगे? मैं सबसे पहले क्रेडिट अपने पेरेंट्स, उसके बाद अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, क्योंकि हम जब एक छोटे से बच्चे होते हैं तो हम एक स्कूल में आ जाते हैं, अगर टीचर्स की गाइडेंस नहीं होती हमें तो हम आज कुछ नहीं होते। तो अभी आगे क्या करना चाहते हो? इंजीनियरिंग। यस मैम। क्या नाम है आपका? अजमीत कौर। कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत खुशी हो रही है। वेरी प्रीटी। थैंक यू। तो अभी आगे क्या फ्यूचर प्लान्स है आपके? मैंने CA करना है, इसलिए मैंने कॉमर्स ऑप्ट किया। कॉमर्स ऑप्ट किया। तो कितने स्कोर आए अभी आप? 97.8। तो उसका क्रेडिट किसको देना चाहोगे? क्रेडिट टीचर्स को और पेरेंट्स को, और हमारा हार्डवर्क भी रहा। ऑफकोर्स, बिना आपके हार्डवर्क के तो नेक्स्ट नहीं हो सकता। ओके, थैंक यू। क्या नाम है आपका? आरुषि। कितने स्कोर है आपके? 93%। तो अभी क्या प्लान है आपका फ्यूचर का, और किसको क्रेडिट देना चाहोगे, और कितनी मेहनत करी है आपने अभी इसके लिए? मेहनत अपनी थी, बाकी एफर्ट टीचर्स के, पेरेंट्स के। सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो पेरेंट्स का होता है, और बाकी हमारी मेहनत थी। थैंक यू। क्या नाम है आपका? श्रेया नंदा। कितने स्कोर आए आपके? 93%। तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। ओके, तो क्या टाइम टेबल था आपका, क्या कैसे फ्यू आपने प्लानिंग कैसे की थी, क्या पढ़ेंगे, किस तरह कैसे डिवाइड किया था आपने आपको? टाइम टेबल होना ही चाहिए, क्योंकि आपका टाइम पूरा मैनेज रहता है कि आपको क्या करना है, किस टाइम पे करना है। और मैंने पेपर्स के टाइम बहुत मेहनत की थी, ज़्यादा नहीं, मतलब रात रात तक इतना नहीं, उससे माइंड आपका थोड़ा नहीं चल पाता। तो मैंने रात के ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक पढ़ाई की। रात के 12 बजे तक? और सुबह उठ के भी पढ़ाई कर? उठ के भी ऑफिस करनी पड़ती है 5-6 बजे ऐसे उठ के, और जब थोड़ी ज़्यादा टेंशन हो तो नींद तो खुली जाती है। बस यही टाइम है। हाय, क्या नाम है आपका? पूजा मल्होत्रा। कितने परसेंटेज? 93%। तो कुछ प्रेशर रहता था आपको कि स्टडी करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो कैसे स्कूल में तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, काफ़ी हार्डवर्क किया है, टीचर्स के बहुत एफर्ट्स थे हमारे ऊपर, पेरेंट्स के, हमें प्रेशर भी था और हमारा हार्डवर्क भी था, जिसकी वजह से हमने आज ये सक्सेस अचीव किया है। हाय, क्या नाम है आपका? जपलीन कौर। स्कोर आप? 97.4%। तो अभी कैसा फील हो रहा है अभी? अभी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, और इसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स, टीचर्स, सबसे पहले गॉड का थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और मेरी मेहनत ऑफ कोर्स। तो कितना पढ़ाई किया था आपने, और क्या टाइम टेबल था आपका? एक्चुअली मैं कभी पढ़ाई के घंटे नहीं गिने, लेकिन जब भी पढ़ा फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा, तो रटाफिकेशन नहीं की कभी, जो समझ के टीचर से समझा, डाउट क्लियर कराए, तो ये सब उसी किया नतीजा। थैंक यू। हाय, क्या नाम है आपका? गुरमीत कौर। कितने स्कोर है आपके? 95.6। ओके, सो आई नो यू ऑल्सो स्कोर अ गुड पोजिशन इन 10th क्लास, सो अपार्ट फ्रॉम दैट आप अलग कैलकुलेटिव एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट रखती हो? हाँ, गेम्स में मुझे गेम्स में इंटरेस्ट है, बैडमिंटन में। मैं चाहती हूँ कि मैं बैडमिंटन सीखूँ आगे, उसमें भी थोड़ा अपना करियर बनाऊँ। तो आगे करियर आप बैडमिंटन स्पोर्ट्स में देना चाहती हो, या आगे और पढ़ना चाहती हो क्या? हाँ, ऐसे तो मैंने इंजीनियरिंग करनी है, पर फिर भी मैं साथ में बैडमिंटन को भी रखूँगी। बैडमिंटन। थैंक यू। हाय, क्या नाम है आपका? प्रियांश कौर। कितने स्कोर है आपके? आई हैव स्कोर 96.4%। यस। तो अभी क्या फ्यूचर गोल है आपको, क्या ह्यूमैनिटीज लेना चाहती है, इंजीनियरिंग करना चाहती है, क्या कहना चाहते हो? यस, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर? ओह, दैट्स रियली नाइस। ओके, थैंक यू। तो ये थी शिक्षा निकेतन की लड़कियाँ, जितनी भी आपने देखी सब की सब लड़कियाँ ही थी। जो भी है यहाँ के, हमेशा जो रिजल्ट रहा है शिक्षा निकेतन का बहुत ही अच्छा रहा है, चाहे 12th का हो, 10th का हो। और 10th क्लास के रिजल्ट के बारे में मैं बता दूँ, 100% रिजल्ट आया है स्कूल का। बहुत ही मेहनत, ये जो सब बच्चे हैं, अपने सारा क्रेडिट अपने पेरेंट्स और स्पेशली टीचर्स को दे रहे हैं, जो बहुत ही मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो देखते रहिए एनएचपी न्यूज़। मुझे और मेरे कैमरामैन को इजाज़त दीजिए। थैंक यू।